गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग फिश क्लासिफिकेशन का जो आखिरी पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ द फिश क्लासिफिकेशन वी आर डिस्कसिंग। आज ये पांचवी क्लास है और आज की क्लास में हम टीलियोस्टोमी जो एक ग्रुप है मछलियों का ऑस्टिक्थिस में, जो एक्टिनोप्टेरिगाई की मछलियां थी उसको हम टीलियोस्टोमी कहते हैं। तो टीलियोस्टोमी में से टीलियोस्टोमी के हम एक सुपर ऑर्डर की बात करेंगे, यानी कि जो एक्टिनोप्टेरिगाई मछलियां थी उसके एक सुपर ऑर्डर की बात करेंगे जिसका नाम है टीलियोस्टाई। इससे पहले हमने कॉन्ड्रिक्थिस का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया और ऑस्टिक्थिस में हमने सार्कोप्टेरिगाई और एक्टिनोप्टेरिगाई सार्कोप्टेरिगाई पढ़ लिया। एक्टिनोप्टेरिगाई में तीन सुपर ऑर्डर हैं, कॉन्ड्रोस्टाई, होलोस्टाई और टीलियोस्टाई। तो कॉन्ड्रोस्टाई और होलोस्टाई ये हमने पढ़ लिया है पहले के क्लासेस में। तो इस लेक्चर को थोड़ा सा कोरिलेट करने के लिए या समझने के लिए अच्छा रहेगा कि आप लोग इससे जो पहले वाला जो हमने वीडियो आपके साथ शेयर किया था क्लासिफिकेशन का, फिश क्लासिफिकेशन पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर, उसको भी आप लोग देख लेंगे एक बार। सो लेट्स स्टार्ट दिस सुपर ऑर्डर टीलियोस्टाई। तो टीलियोस्टाई का जो माउथ होता है, जो बकल ओपनिंग होती है, वो टर्मिनल, टर्मिनल मतलब शरीर के सबसे अग्रभाग पे, सबसे आगे वाले सिरे पे, एट द एंटीरियर मोस्ट एंड वो माउथ यूजुअली होता है। इसकी ओपनिंग स्मॉल होती है। इसमें जो स्केल्स या जो शल्क पाए जाते हैं, दे आर साइक्लोइड, टिनोइड या समटाइम दे आर एब्सेंट, पर्टिकुलर इन द कैटफिश दैट वी वुड बी डिस्कसिंग लेटर। कुछ कैटफिश होती है उसमें ये पूरी तरह से अनुपस्थित या एब्सेंट होती है। टेल इसका होमोसर्कल होता है। हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि जो होमोसर्कल टेल और हेट्रोसर्कल टेल दोनों में क्या फर्क होता है। दोनों की जो कॉडल फिन होती है उसकी पालियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी पालियां अगर एक समान है तो होमोसर्कल है, एक समान नहीं है तो हेट्रोसर्कल है। उसी प्रकार से एक और प्रकार होता है कॉडल फिन का, जिसको हम डाइफी सर्कल या कई और तरह के कुछ वेरिएशंस होते हैं। टेल जो टीलियोस्टाई सुपर ऑर्डर है उसमें मोस्टली होमोसर्कल होगा। फिर क्या होता है, एक स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर करके एक स्ट्रक्चर होता है, एक बैलून जैसी संरचना होती है मछलियों में, जो यूजुअली एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल साइड में पाई जाती है। इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी होती है, जुड़ी नहीं होती है। तो इसका मेन फंक्शन तो ऐसे हाइड्रोस्टैटिक होता है, जल उत्प्लावकता को ये मेंटेन करता है। जैसे एक स्विम ब्लैडर है, अगर उसमें हवा भर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मछलियों का जो बॉडी वेट है पानी के अंदर वो हल्का हो जाएगा, तो वो पानी की सतह की तरफ आएगी। अगर स्विम ब्लैडर से हवा निकल गई तो कंपैरेटिवली उनका शरीर पानी में जो एक वेट होता है मछलियों के शरीर का वो ज्यादा बढ़ जाएगा और वो फिर जो बॉटम की साइड वो चली जाती है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। दूसरा, ये स्विम ब्लैडर के और भी काम है, जैसे ये ऑडिटरी फंक्शन भी है और दूसरे फंक्शंस भी हैं। तो ये जो स्विम ब्लैडर है, हमने जो कॉन्ड्रिक्थिस की मछलियां थी उसमें देखा था देवर अब्सेंट, वो उसमें उपस्थित नहीं थे, लेकिन यहां पर यूजुअली दे आर प्रेजेंट। समटाइम वो वेस्टिजियल हो सकता है या आकार में छोटा हो सकता है, लेकिन यूजुअली ये प्रेजेंट होते हैं। बहुत कम ऐसी मछलियां टीलियोस्टाई की होंगी जिसमें ये एब्सेंट होगा। उसके बाद है स्पाइरेकल। स्पाइरेकल सबसे पहले क्या संरचना होती है, देखिए अगर हम यहां के सेक्शन का एक वर्टिकल, इस पार्ट का वर्टिकल सेक्शन देखें तो देखिए ये सिर वाला हिस्सा है, ये माउथ ओपनिंग इधर से है, ये गिल ओपनिंग है जिसके जरिए पानी आता है और गिल से निकलता है, तो मछलियां सांस लेती हैं, यानी रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज की क्रिया इस गिल पे होती है। एक और ओपनिंग होती है जो खास तौर से कॉन्ट्रिक्टिस मछलियों में बड़ी प्रोमिनेंटली देखी जाती है, यहां पर तो ये खत्म हो गया है। इस ओपनिंग को हम स्पाइरेकल बोलते हैं। ये ओपनिंग कभी कभी वेस्टिजियल भी हो जाती है, आगे से बंद भी हो सकती है, या कभी कभी ओपनिंग रहती है। और ये क्या है कि एक एक्स्ट्रा पैसेज है, एक अतिरिक्त द्वार है इस कैविटी में, जो बक्को फेरिंजियल कैविटी है, यहां पर पानी आने के लिए। मुंह अगर ऑक्यूपाइड है तो कई बार पानी इधर से भी आता है, और खास तौर से जो मछलियां एयर ब्रीथ करती हैं उसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो स्पाइरेकल सामान्यतः इसमें नहीं पाया जाता, ये जो कॉन्ट्रिक्टिस की मछलियां थी उसमें थी, इसमें नहीं पाया जाएगा। उसी प्रकार से कि जो इंटेस्टाइन होता है मछलियों का, जैसे मान लीजिए कि ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है
कि इस प्रकार से वाल्व बना होता है, यानी कि जो पैसेज होता है जिससे भोजन जाता है वो एक स्पाइरल पैसेज से ऐसे जाता है। ये स्पाइरल का वाल्व है, ये कॉन्ड्रिक्थिस की पहचान है, और ऑस्टिक्थिस में तो नहीं ही पाया जाता है, खासतौर से टीरियोस्टोमी में ये ऐसा कुछ नहीं पाया जाएगा, है ना। ये स्पाइरल वाल्व इसलिए होते हैं क्योंकि वो मांसाहारी मछलियां होती हैं, तो ज्यादातर जो भोजन ज्यादा देर तक इसमें रह सके इसलिए ये स्पाइरल वाल्व काम आता है। फिर ये बल्बस आर्ट्रियोसस, अब देखिए जैसे ये मछली का एक हार्ट है, तो हार्ट में ये है साइनस वेनोसस, इसमें ब्लड आके जमा होगा, ये इनका ऑरिकिल है जिसको हम आलिंद कहते हैं, फिर ये निलय, निलय से जो ये फिर आगे आगे जाकर के जो पैसेज होता है जिससे कि आयोटा वगैरह निकलते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जो कॉन्ट्रिक्थिस की मछलियां उसमें देखिए बहुत एक सीरीज में वाल्व है, और इसकी दीवार भी उतनी ठीक नहीं है, है ना। वेंट्रिकल के आगे जो आयोटा है उसकी दीवार जो है इतनी ठीक नहीं है, और उसमें बहुत सारे वाल्व है। अगर इस तरह का कंडीशन है तो इसको हम कोनस आर्ट्रियोसस कहते हैं। लेकिन जो टीलियोस्ट की मछलियां हैं, टीलियोस्ट की मछलियां में एक तो देखिए जो आयोटा की वॉल का जो वॉल है ये काफी थिक हो गया है और एक ही वॉल यूजुअली है, इस प्रकार का जो कंडीशन होता है इसको हम बल्बस आर्ट्रियोसस कहते हैं। दिस इज द कंडीशन दैट इज फाउंड इन द हार्ट, स्ट्रक्चरल फीचर है ये हार्ट का, तो ये इसमें बल्बस आर्ट्रियोसस पाया जाता है, जबकि जो कॉन्ट्रिक्थिस की मछलियां थी इसमें कोनस आर्ट्रियोसस पाया जाता है। दीज आर द जनरल फीचर्स ऑफ द सुपर ऑर्डर टीलियोस्टाई। अब इसमें बहुत सारे करीब ऑर्डर हैं, जिसमें कुछ ऑर्डर जो इंपॉर्टेंट है करीब एक डेढ़ दर्जन के आसपास, उनकी हम चर्चा बारी बारी से करेंगे, सारे ऑर्डर्स की, सारे गणों की चर्चा करेंगे। सो द फर्स्ट ऑर्डर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्लूपीफॉर्मिस। क्लूपीफॉर्मिस में देखिए इसका स्केल साइक्लॉइड होगा, ये स्केल्स की चर्चा हम कभी अलग से करेंगे कितने प्रकार के स्केल्स होते हैं। इसके हेड पे कोई स्केल नहीं है, देखिए ध्यान से, इसमें फिन्स जो होते हैं, फिन्स में यूजुअली स्पाइंस या जो तीलियां होती हैं, जो कांटेदार जो तीलियां होती हैं वो इस फिन में उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए नहीं होती। टेल इसका होमोसर्कल है, आप देख रहे हैं दिस इज होमोसर्कल टेल, ठीक है। पेल्विक फिन ये देखिए, ये इसका पेल्विक फिन है, पूरी तरह से एब्डोमिनल मतलब कि नीचे की साइड में है। इसमें वेबेरियन एपरेटस, और वेबेरियन एपरेटस क्या होता है इसकी चर्चा हम करेंगे। वेबेरियन एपरेटस एक्चुअली ये मध्य कर्ण का भाग है, हमारे में भी मध्य कर्ण में आपको पता है तीन हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, यहां भी तीन हड्डियां होती हैं, ट्राइपियम, ट्राइपियस इंटरकलेरियम, क्लेरियम, सैपियम और क्लॉस्ट्रम, टिस्क कहलाती है। ये यूजुअली एयर ब्लैडर को इंटरनल ईयर से कनेक्ट करती है, तो ये वेवेरियन ओसेकल इसमें नहीं होता, मतलब इस ऑर्डर में नहीं होता, दूसरे ऑर्डर्स में पाया जाता है। इसके एग्जांपल एक क्लूपिया, हेरिंग, एक हिल्सा मछली है। हिल्सा बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दीज फिश आर द एनाड्रोमस फिश, मतलब दीज आर द एनाड्रोमस फिश, एनाड्रोमस मतलब ये प्रवासन करने वाली मछलियां हैं, आमतौर पर रहती तो समुद्र में है, लेकिन क्या होता है कि प्रवासन के लिए यानी अंडे देने के लिए खासतौर से ब्रीडिंग के टाइम में ये नदियों में आ जाती है, और बंगाल की खाड़ी से ये मछलियां चल करके वेस्ट बंगाल को पार करते हुए बिहार में बहुत दूर तक आ जाती थी गंगा नदी में, लेकिन अब कुछ एक बैरेज बन गया है वहां पर, फरक्का बैरेज, जिसकी वजह से ये नहीं आ पाती। ये मछली बड़ी चाव के साथ खाई जाती है, मतलब बहुत पसंद की जाती है, वन ऑफ द फेवरेट फिश स्पीसीज बींग ईटन इन बंगाल, इसको हम इलीस माछ या हिल्सा मछली कहते हैं, और काफी महंगी भी बिकती है। उसी प्रकार से एक नोटोप्टेरा चीताला करके मछली, चीतल कहलाता है ये भी इसी में। सालमन, सालमन मछलियां ये भी पाई जाती हैं, सालमन फिश भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉर्मली जो क्लूपिया या हेरिंग, हेरिंग फिश कहते हैं, कॉमन मीन्स का हेरिंग है, वैसे नाम इसका क्लूपिया है। ये सारी मछलियां जैसे क्लूपिया आपको दिख रही है, ये हिल्सा फिश दिख रही है ऊपर में, है ना, ये सारे इस ऑर्डर क्लूपीफॉर्मिस की मछलियां हैं, हिल्सा है, सालमन है, नोटोप्टेरस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर क्लूपीफॉर्मिस। अनदर ऑर्डर इज स्कोपोलीफॉर्मिस। स्कोपोलीफॉर्मिस में जो मछलियां होती है, तो पहली बात तो डीप सी फिश है, दूसरा फॉस्फोरेसेंट है, मतलब इसमें प्रतिदीप्ति होती है, प्रतिदीप्ति का मतलब कि लाइट इसमें से ग्लो होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो भी लाइट ये ग्रहण करते हैं, इसके कुछ पिगमेंट जो होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और रात के टाइम में ये मछलियां ग्लो करती हैं। इसको हम बायोल्यूमिनेसेंस या जैव प्रदीप्ति कहते हैं, और बहुत सारे जानवरों में आपने पढ़ा होगा पहले भी, कुछ जो
यूरोकॉर्डेट्स के मेंबर थे, उसमें भी एक क्लास है जिसमें फॉस्फोरेसेंस पाया जाता है, यहां पाई जाती है। इसमें इसका जो एग्जांपल है वो है मुंबई डक। मुंबई डक नहीं, बॉम्बे डक कहते हैं इसको बेसिकली। बॉम्बे डक मछलियां जो है ये बंबई के जो या अरेबियन कोस्ट पे जो मछुआरे हैं उनको अच्छे से पता है, ये काफी इंपॉर्टेंट फिश है। होता क्या है कि ये मछलियां जब ग्रुप में एक स्कूल में या एक सोल में, कभी कभी क्या होता है कि समुद्र की सतह पे आ जाती हैं रात में, और जब रात में आ जाती हैं तो समुद्र में जहां पर इनका स्कूल होता है वहां पर ये ग्लो करती है। ये बॉम्बे डक की पहचान है। इसकी इसकी कहीं आप गूगल सर्च करें तो आपको फोटोग्राफ भी मिल जाएंगे। इसका माउथ वाइड होता है, दांत में छोटे छोटे दांत होते हैं इसमें। स्विम ब्लैडर इसमें भी नहीं पाया जाता, और इसमें भी जो डॉर्सल और एनल फिन है वहां पर कोई स्पाइन नहीं पाया जाता। सो दिस इज अबाउट द ऑर्डर इसको पॉलीफॉर्मिस। नेक्स्ट ऑर्डर हम देखते हैं, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको हम सैप्रिनिफॉर्मिस या इसका एक नया नाम है ऑस्टेरियोफाइसी। आपकी जो प्रैक्टिकल की किताबें जितनी भी है उसमें ऑस्टेरियोफाइसी ही लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत करना, दैट इज ऑर्डर सैप्रिनिफॉर्मिस। इसमें एयर ब्लैडर होता है। अब एयर ब्लैडर जैसे देखिए, ये डायग्राम मैंने जो दिखाया है यहाँ पर एयर ब्लैडर का, ये एयर ब्लैडर है और नीचे ये इंटेस्टाइन है। अब देखिए दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो इनका एयर ब्लैडर इंटेस्टाइन से जुड़ा होगा जैसे कि यहां पर है, या फिर जुड़ा हुआ नहीं आएगा, इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो अगर ये जुड़ा हुआ है तो इसको, इस कंडीशन को हम फाइसोस्टोमस कहते हैं, जुड़ा हुआ नहीं है तो इसको हम फाइसोक्लिस्टस बोलते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है कि एयर ब्लैडर इज अटैच टू फेरिक्स, मीनिंग देयर बाय दैट इन सैप्रिनिफॉर्मिस ऑर्डर द एयर ब्लैडर इज फाइसोस्टोमिक टाइप। इसमें फाइसोस्टोमस टाइप है ना, ये फाइसोस्टोमस टाइप का एयर ब्लैडर है जो इन मछलियों में पाया जाता है। वेबेरियन ओसाइकिल जो होता है प्रेजेंट होता है। देखिए वेबेरियन, अभी मैंने चर्चा की थी वेबेरियन ओसाइकिल की, ये देखिए ये स्विम ब्लैडर है। स्विम ब्लैडर के साथ एक हड्डी, ये दो हड्डी, ये तीन हड्डी, ये चार हड्डी जुड़ी हुई है ना, ये चारों जो है ये हड्डियां वेबेरियन ओसाइकिल कर, जैसे ये ट्राइपियस है, ये सैपियम है, ये इंटरक्लॉस्टल है, ये क्लॉस्ट्रम है, हाँ ये ट्राइपियस है, सैपियम है, इंटरकैलेरियम है और क्लॉस्ट्रम है। ये चार मछलियां, चार हड्डियां पाई जाती हैं, और देखिए चारों हड्डियां जो है किससे जुड़ रही है अल्टीमेटली, ये इंटरनल ईयर है। इंटरनल ईयर में देखिए, इंटरनल ईयर का एक लोब है जिसको हम सकलस बोलते हैं। इस सकलस के साथ ये हड्डियां, ये जो ये लिम्फेटिक एक डक्ट है, इस लिम्फेटिक डक्ट के जरिए ये जो वेवेरियन ओसिकिल है इसकी हड्डियां जुड़ी होती है, बीच में कुछ लिगामेंट लगे होते हैं। सो दिस एपरेटस, ये जो एपरेटस है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं आउटलाइन, ये एपरेटस जो होता है इसको हम कहते हैं वेवेरियन ओसिकिल ओसाइकिल या वेवेरियन एपरेटस कहते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि इसका काम बेसिकली क्या है कि स्विम ब्लैडर में जो भी वाइब्रेशन फील होता है इसके जरिए इंटरनल ईयर तक जाता है, पानी के वाइब्रेशन को फील करते हैं ये स्विम ब्लैडर के जरिए इस वेवेरियन ओसिकिल से। तो इसका एक ऑडिटरी रोल है या एकॉस्टिक फंक्शन है इसका, ठीक है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये जो ये बहुत बड़ा ऑर्डर है जैसे मैंने आपको बताया, और ये एक टिपिकल फिश है। तो इसमें क्या होता है, दो ग्रुप में इसको आप डिवाइड कर सकते हो, एक होता है सैप्रिनी और दूसरा कतला है सिल्यूरी। जो सैप्रिनी की मछली ये आप देख रहे हो, ये कतला मछली है, और इस मछलियों में आप क्या देख रहे हो कि माउथ इसका टर्मिनल है, ऑपरकुलम प्रॉपर है। इसमें सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें स्केल्स हैं, ये टीनवाइड स्केल है, बीच में ये लैटरल लाइन सिस्टम है, होमोसर्कल टेल है, ठीक है। ये जो मछलियां हैं इसको हम कहते हैं कार्प, क्या कहते हैं, सी ए आर पी कार्प। ये कतला, रोहू, मृगल, ये सब मछलियां कार्प कहलाती है, मेजर इंडियन इंडियन मेजर कार्प कहलाती है। तो ये कार्प मछली कहलाती है। दूसरी तरफ इस मछली को देखिए, इसके त्वचा पर कहीं भी स्केल्स नहीं है, नो स्केल है ना। ये क्लैरियस बैट्रैकस नाम की मछली है, इसके देखिए बार्बल्स हैं लगे हुए यहां पर है ना, ये कुछ बार्बल्स हैं जो मुंह पे लगे होते हैं, और ये जो बार्बल्स हैं इसकी मौजूदगी के कारण इसको जो सामने से देखा जाए तो कैट लाइक अपीयरेंस मिलता है इससे, इसलिए इन मछलियों को हम कैटफिश कहते हैं। ये टेल भी कुछ अलग ही तरह का है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द होमोसर्कल टेल। तो अब जो पहले ग्रुप की मछलियां जो कार्प है, कार्प में एक साइप्रिनस है जिसको हम कॉमन कार्प बोलते हैं, लेबियो है जिसको रोहू बोलते हैं, कतला को कतला ही बोलते हैं, गोल्ड फिश
जो एक्वेरियम में आप देखते हो ना कैरेसियस ऑरेटस करके गोल्डन कलर की जो मछली होती है वो भी साइप्रिनी में ही आती है, उसी प्रकार से जो सिल्यूरी है इसमें कैटफिश आती है। कैटफिश में कौन है, मिस्टस सिंघाला है, वेलेगो, वेलेगो को बुआरी कहते हैं, क्लैरियस है इसको मांगूर बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरस एक दूसरी मछली। तो ये सारी मछलियां जो हैं, मिस्टस को टेंगरा बोलते हैं लोकल भाषा में। तो जो जितनी कैटफिश है वो सिल्यूरी में आएगी और जितनी जो कार्प है वो सारी साइप्रिनी में आएंगी, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर था। उसी प्रकार से एंगुली फॉर्मिस, एंगुला, एंगुला नाम की मछली है, उसके नाम पे इसका ऑर्डर पड़ा, का नाम पड़ा एंगुली फॉर्मिस। ये ईल कहलाती है, ये रिबन शेप मछलियां हैं, बॉडी इसकी बिल्कुल चपटी होती है, सिलेंडर होती है, और इसका देखिए कि जो डॉर्सल फिन है बिल्कुल आकर के इसके कॉडल फिन से मिला हुआ है। ये स्नैक लाइक तो नहीं कहते, रिबन लाइक अपीयरेंस होता है, और स्केल इसमें वेस्टिजियल होते हैं या एब्सेंट ही होते हैं। डॉर्सल और एनल फिन जैसे आप देख रहे हो कॉन्फ्लेंट हो गए, एक साथ मिल गए, इसकी बॉडी चपटी होती है, रिबन लाइक फिश है और काफी लंबी होती है, लहराती भी रिबन की तरह है ये पानी में। तो ये ईल कहलाती है, फ्रेश वाटर ईल एंगुला ये मछली पाई जाती है। और ये भी एक्चुअली देखा जाए तो इसमें भी क्या होता है, माइग्रेशन होता है। उसी प्रकार से दूसरा जो ऑर्डर है इसको पॉलीफॉर्मिस के बाद, दैट इज बेलेनीफॉर्मिस, इसमें साइक्लॉइड स्केल पाए जाते हैं, यानी कि जो स्केल्स होता है उसमें टीनिया नहीं पाई जाती, टीनियाड स्केल की तरह। पेक्टोरल फिन इनका लार्ज है, देखिए ये पेक्टोरल फिन कितना बड़ा है, और जो लार्ज पेक्टोरल फिन की वजह से ये जो मछली है इसको हम एक्जोसीटस या फ्लाइंग फिश बोलते हैं। ये लिखा हुआ है ना एक्जोसीटस, ये फ्लाइंग फिश ये वाली है। ये मछलियां क्या करती है, पानी में जैसे जंप मारती है, जैसे पानी के अंदर से डाइव मारती है, इसको फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। उसी प्रकार से एक दूसरा है, दूसरी मछली, इसका नाम है हेमीरैम्फस, हाफ बिग फिश। देखिए इसमें चोंच बने हुए हैं, एक नीचे वाला है एक ऊपर वाला चोंच है, ऊपर वाला चोंच आधा ही है, आधा बल्कि विकसित नहीं है, एक ही चोंच है, इसलिए इसको हाफ बीक, आधी चोंच वाली मछली कहते हैं, इसको हेमीरैम्फस बोलते हैं। उसी प्रकार से एक दूसरी जिसमें दोनों चोंच काफी एलोंगेटेड होता है, ये बिलोन या गारफिश कहलाती है, ये बेलोनीफॉर्मिस, ये इसी के नाम पे है। तो ये फॉर्मिस ऑर्डर हो गया। फिर अगला जो ऑर्डर है दैट इज सिग्नेंथीफॉर्मिस या सोलेनिथिस। ये सिग्नेंथीफॉर्मिस की जो पहचान है ये हॉर्स फिश कहते हैं, अश्वमीन कहते हैं इसको, हिप्पोकैम्पस। ये देखिए घोड़े जैसा अपीयरेंस, इसका स्नाउट काफी लंबा है, इसके शरीर पर प्रोटेक्टिव स्केल्स लगे होते हैं, देखिए इसके जो स्केल्स हैं सील लाइक चपटे प्लेट जैसे स्केल्स इसमें लगे हुए हैं। बॉडी जो मुंह है इसका घोड़े की तरह, इसका स्नाउट आगे बढ़ा रहता है, और इसमें स्विम ब्लैडर जो है तो फाइसोक्लिस्टस टाइप होता है, मतलब इसका कनेक्शन एलिमेंट्री कैनाल से नहीं होता। इसका जो मेल होता है, मेल में इस जगह पर क्या होता है, एक पाउच होता है, थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें जब इनके जो जन्म होता है, इनके जो अंडे से जो मछलियां निकलती हैं, इनके जो नेक्स्ट जनरेशन शिशु निकलते हैं, तो निकलने के पश्चात क्या होता है कि ये मेल जो है उसमें, ये पेरेंटल केयर का एक एग्जाम्पल है, पैतृक रक्षण का। ये मेल क्या करता है, उन इमैच्योर मछलियों, क्योंकि वो पानी में छोड़ने लायक रहती नहीं है, उनको कुछ दिन तक इसी ब्रूड पाउच में रखता है, और वहां जब मछलियां थोड़ी ग्रो करती हैं भोजन वगैरह पा करके, फिर इनको छोड़ता है। तो मेल में इसके ब्रूड पाउच पाया जाता है, पहचान है ये, इसमें जो पेरेंटल केयर है इसमें मेल का बड़ा रोल है, ये मेल में ही होता है। तो ये जो सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस है, उसी प्रकार से एक पाइप फिश है नीचे देखिए, उसी प्रकार से एक फ्लूट फिश है, ये बांसुरी जैसी मछलियां, ये पाइप जैसी मछली, एक सिग्नेंथस जो पाइप फिश है इसके नाम पे इसका ऑर्डर का नाम पड़ा, फिस्टुलेरिया, इसको फ्लूट फिश कहते हैं। ये सारी मछलियां इस सिग्नेंथीफॉर्मिस की हैं। उसी प्रकार से एक अगला ऑर्डर है ऑफियोसिफेलिफॉर्मिस या चेनीफॉर्म। इसका पुराना नाम ऑफियोसिफेलस था, जो मछली मैं दिखा रहा हूं यहां पर, ये मछली ये चना है, आजकल इसको चना बोलते हैं, पुराना नाम जो पुरानी किताबें हैं उसमें ऑफियोसिफेलस के नाम से जानते थे इसको। इसमें आप देखिए कि इसका जो हेड है ना आगे से देखिए थोड़ा चपटा टाइप है, डिप्रेस्ड हेड, और इस पर भी स्केल्स पाए जाते हैं, हेड पर भी स्केल्स पाए जाते हैं, बाकी शरीर में तो स्केल है ही। तो ये जो मछलियां हैं इसको हम स्नेक हेड फिश भी कहते हैं, और इसमें भी क्या होता है, फाइसोक्लिस्टस टाइप एयर ब्लड होता है, इसमें कोई डक्ट नहीं होता, और इन मछलियों में एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, मतलब मछलियां कुछ ऐसी होती हैं
जिसमें गिल के अलावा भी कुछ ऐसे ऐसे स्थान है जहां पर की गैस का एक्सचेंज हो सकता है इनकी बॉडी में, और ऐसी कई मछलियों में देखा जाता है। जैसे कुछ मछलियों में उनकी बकल कैविटी जो होती है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है, किसी में स्विम ब्लैडर काम करता है ना, स्किन काम करता है। जैसे आपने मेंढक में देखा होगा कि मेंढक सिर्फ लंग से श्वसन नहीं करता, बल्कि क्या होता है वो बकल कैविटी जो होती है उसकी जो मुख गुहा होती है वहां भी गैस का एक्सचेंज हो सकता है, या फिर उसकी जो त्वचा होती है वो नम होती है वहां भी गैस का एक्सचेंज हो सकता है, तो वो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उसी प्रकार से जो ऑफियोसिफेरस की सिफेरस मछलियां हैं या जो चना मछली है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मछलियां होती हैं जिसमें एक्सेसरी अतिरिक्त श्वसन अंग होते हैं, और ये खास तौर से उस कंडीशन में काम करते हैं जहां पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, नहीं पानी हाइपोक्सिक हो जाए, हाइपरकार्बिक हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाए गर्मियों में जब वहां वनस्पतियां सूखती हैं मरती हैं पानी में और पानी का लेवल कम हो जाता है, तो ये कंडीशन होता है। और उस अवस्था में मछलियां जो है उसमें गिल से प्रॉपर ऑक्सीजन को नहीं मिलता, तो फिर ये एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन उस काम में आते हैं, यानी वायवीय श्वसन होता है वहां पर इन ऑर्गन से। फिर अगला है सिम्ब्रैंकिफॉर्मिस। ये भी देखिए, ये जो मछली है, ये देखिए इस मछली को देखने के बाद आपको एक बार लगेगा कि अगर इतना पार्ट हम हटा दें इसका, अगर बकल ओपनिंग आप नहीं देखें तो ये सांप जैसा ही बॉडी का अपीयरेंस, बिल्कुल ये सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। इसके जो फिन्स हैं बहुत दबे हुए होते हैं, नजर ज्यादा आते नहीं है। और ये देखिए इस मछली को देखने के बाद, इसको हम मोनोप्टेरस कुचिया या एम्फिपियस कुचिया बोलते हैं इसको, ये मछली है। इसमें इलोंगेटेड बॉडी होती है, गिल स्लिट जो होता है एक सिंगल वेंट्रल स्लिट्स के रूप में ज्वाइन हो जाते हैं, पेयर्ड फिन होता है, फिन रेज भी होता है, सॉरी ये पेयर्ड फिन ये एबसेंट होता है, सॉरी पेयर्ड फिन रेज या एयर ब्लैडर इसमें होते ही नहीं है। और जब फिन नहीं होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि देखने में बिल्कुल सांप जैसा अपीयरेंस लगता है इस मछली का, अथवा सा हेड वाले पार्ट से पहचान होती है इसकी, स्नेक लाइक अपीयरेंस है इसका। फिर देखिए एक अगला ऑर्डर है मेस्टासेम्बलीफॉर्मिस। एक्चुअली मेस्टासेम्बलस करके एक मछली होती है, ये बहुत ही कॉमन है अपने आसपास के वाटर बॉडी में, जयसमंद में और जो दूसरी झीलें हैं वहां पर ये मछली खूब मिलती है। ये बेसिकली जैसे एंगुला है ना, उसी प्रकार का थोड़ा अपीयरेंस होता है, ये भी बहुत लंबी होती है, एंगुला इतनी चपटी नहीं होती है, बॉडी इसकी भी ईल लाइक है, डॉर्सल फिन के आगे जो होता है ये स्पाइंस लगे होते हैं यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ, नॉस्ट्रिल्स जो होता है इसके बिल्कुल एंड में यहाँ पर होता है, और ये डॉर्सल कॉर्डल और एनल फिन जो होते हैं ये कंटिन्यूअस है, जैसे आप देख रहे हो ईल में भी ऐसा ही होता था, यहाँ भी कॉन्फ्लुएंट है। ये बिल्कुल जो एंगुलीफॉर्मिस ऑर्डर है उसी के तरह की मछलियां हैं, लेकिन वो उतनी चपटी नहीं होती, वो रिवन जैसी होती है, उतनी ज्यादा चपटी नहीं होती है। फिर दूसरा है पर्सिफॉर्मिस या फर्कोमॉफी। ये मछली जो है ये भी डाइव करती है, क्लाइंब करती है जो पानी में ना, जैसे छलांग लगाती है ये मछलियां। ये जो मछली है ये जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं एनावस टेस्टिड्यूनियस, ये एनावस मछली है। इसमें देखिए कि इसमें स्पाइंस बड़े प्रोमिनेंट है, इसका जो डॉर्सल फिन है एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों डॉर्सल है मिले हुए, लेकिन इसमें इसमें कांटेदार संरचना बड़ी प्रोमिनेंट होती है इस प्रकार की मछलियों में। इसमें वेबेरियन और साइकिल नहीं होता, दो डॉर्सल फिन होते हैं, दोनों डॉर्सल फिन देखिए एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों डॉर्सल मिले हुए हैं। एयर ब्लैडर में कोई डक्ट नहीं होता, मतलब फाइसोक्रिस्टस टाइप का होता है। इसमें एक एनावस है, इसको क्लाइंबिंग पर्च कहते हैं, लेटस है, इसको बेतकी कहते हैं, और एक इंपॉर्टेंट मछली इसमें है जिसका नाम है तिलापिया। तिलापिया जो है एक्जॉटिक फिश है, मतलब भारत में पहले नहीं पाई जाती, ये 50 या 60 के दशक में भारत लाया गया है, क्योंकि अफ्रीका में मिलती थी और इसीलिए इसका नाम है तिलापिया मोजाम्बिका या ओरियोक्रोमिस मोजाम्बिका भी बोलते हैं। इस मछली की खासियत क्या है कि इसमें पेरेंटल केयर बड़ा जबरदस्त होता है, ये जो अपने अंडे को मुंह में रख लेती है, नंबर वन। ये साल में 6 बार कम से कम ब्रीड करती है, अपने घोंसले बना करके अंडों को रखती है, मुंह में भी रख लेती है, और सबसे बड़ी बात है कि सर्वाहारी मछलियां हैं, बहुत ज्यादा टॉलरेंट होती हैं पानी के फिजिको केमिकल कंडीशंस को लेकर के। इसलिए होता यह है कि जब ये मछली किसी वाटर बॉडी में चली जाती है, ये मछली जिसकी मैं बात कर रहा हूं तिलापिया ये है, ये मछली जब किसी वाटर बॉडी में चली जाती है तो क्या होता है कि दूसरी मछलियों के अंडे को लार्वा को ये खाने लगती है, और इस कारण से क्या होता है कि ये जो मछलियां हैं इन मछलियों में सॉरी
इन मछलियों में क्या होता है कि ये जहां भी चली जाती हैं वहां पर दूसरी मछलियां नष्ट हो जाती हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि जयसमंद झील, आपने सबने नाम सुना है, वहां पर करीब 35 किलो तक की कतला पाई जाती थी एक टाइम में, आज ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 30-40 साल पहले। उसके बाद क्या हुआ कि एक्सीडेंटली कहिए या किसी के गलती से कहिए कि ये मछली वहां पर इंट्रोड्यूस हो गई। अब अभी जो वहां से जो मछुआरे जाते हैं और नाव में जो मछलियां पकड़ के लाते हैं झीलों में से, उसमें 97-95% से ऊपर करीब कैच जो होता है इन मछलियों का होता है। और ये मछलियां, इसकी फिश मार्केट में कोई वैल्यू है नहीं, यानी कि जो झील का रिसोर्सेस है उसमें ऐसी मछली पल रही है जिसकी फिश मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, इस मछली को खाता नहीं है। जो कतला रोहू वगैरह लोग पसंद करते हैं जो फिश मार्केट में, वो मछली वहां पर कम हो गई। मतलब 100 किलो अगर मछली पकड़ी जा रही है तो 5 किलो के आसपास दूसरी मछली है, 95 किलो ये मछली है। ये एक ढंग से वेस्ट मछली है, ज्यादातर ये एक्सपोर्ट में काम आता है, यूएस वगैरह में इसको लोग बहुत खाते हैं, इसको पैक करके बाहर भेजने का काम होता है। लेकिन ये मछली की खासियत है कि जहां जाता है ये वहां के जो वाटर बॉडी है या वहां की जो इकोलॉजी है उसको, और वहां का जो क्या कई मछलियों का जो स्पीसीज का एक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बुरी तरह से बर्बाद कर देती है। नेक्स्ट जो है ये स्कॉर्पेनिफॉर्मिस है, ये मछली बिच्छू मछली कहते हैं टेरिस। इसमें हेड इसका लार्ज होता है, ये पेक्टोरल फिन्स जो देखिए उसमें स्पाइंस लगे होते हैं, ठीक है, और ये स्पाइंस जो होते हैं गिल कवरिंग के ऊपर होते हैं। इतने स्पाइंस होते हैं इस मछली को देखने के बाद ये लगता है कि इतने स्पाइंस की वजह से क्या होता है कि इस मछली को हम बिच्छू मीन कहते हैं, ये डंक भी मारती है। फिर अगला है प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस, इसमें फ्लैट फिश या चपटी मछलियां आती हैं। ये मछलियां डीप सी में रहती हैं और आपको पता है कि जैसे जैसे पानी में कोई भी जीव नीचे जाता है तो उसके ऊपर जो पानी है उसका दबाव उसके शरीर पे पड़ता है, यानी कि वाटर का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा बढ़ता है। तो नीचे जैसे जैसे नीचे की सतह पे जाएंगे तो वहां जो चपटे शरीर वाली मछलियां हैं वो डीप सी के लिए ज्यादा अनुकूलित रहती हैं। अब इस मछली का देखिए नेचुरल हैबिटेट में कैसे ये मछली है, ये लग रहा है ना बिल्कुल पत्ते जैसा, ये एकदम चपटी सी मछली है, इसको प्लूरोनेक्टस या फ्लैटफिश बोलते हैं। और इसमें हेड एसिमेट्रिकल होता है, डॉर्सल और वेंट्रल साइड में ये अलग में डिस्ट्रीब्यूशन जो हेड का होता है अलग होता है, दोनों आंखें इसके डॉर्सल साइड में, दूसरी मछलियों में बीच में होता था। उसके बाद इसमें स्ट्रीम ब्लैडर उपस्थित होता है, ये प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस या फ्लैट फिश मछलियां हैं। फिर जो अगला है वो है एक्निफॉर्मिस या डिस्कोसिफेलाई। एक्चुअली सिफेलिक हम आपको कई बार बता चुके हैं, सिफेलिक का मतलब होता है द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, और उस पर एक डिस्क पाया जाता है, डिस्क जैसी संरचना है। देखिए यहां पर ये जो डिस्क जैसी संरचना के कारण इसको कहेंगे डिस्कोसिफेलाई, या इसका जो पुराना नाम है दैट इज एक्निफॉर्मिस। एक्निस करके एक मछली होती है जिसको हम सकर फिश भी बोलते हैं। ये होता क्या है कि ये है या रिमोरा है, एक्निस है, ये जो मछलियां होती हैं ये आमतौर पर शार्क मछली है या जो दूसरी मछलियां हैं उसके शरीर के वेंट्रल पार्ट से या कहीं भी चिपक जाती हैं, और चिपकने के बाद क्या करती है कि पूरे समुद्र का ये सैर करती हैं, और वो जो मेन मछली जिसे चिपकी होती हैं वो जो भी खाना छोड़ती हैं वो इसको मिल जाता है। तो एक ढंग से आप एक्सटर्नल पैरासाइट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये होता क्या है कि दूसरी मछलियों के साथ चिपक करके और ये भोजन प्राप्त करती है और मूव करती है। इसमें साइक्लॉइड स्केल पाया जाता है, ये जो मैंने जैसे कहा कि डॉर्सल फिन जो होता है फर्स्ट डॉर्सल फिन, दूसरा नहीं, दूसरा डॉर्सल फिन, फर्स्ट डॉर्सल फिन जो होता है वो एक ओवल एडहेसिव डिस्क बनाता है हेड पर, और हेड पर जो पहला डॉर्सल फिन था उसने एक डिस्क बना दिया जिसकी वजह से दूसरी मछलियों से चिपकती हैं। इसमें एक्निस या रिमोरा या सकर फिश कहलाती है वो। फिर अगला है टेट्राडोंटिफॉर्मिस या इसको हम प्लैक्टोग्नेथी कहते हैं। ये देखिए ये टेट्राडोंट मछली है। इसमें क्या होता है कि यहां पर अर्धचंद्राकार कुछ दांत वगैरह का एक लाइनिंग पाई जाती है और पूरे बॉडी पे स्पाइन पाया जाता है, स्पाइनी स्केल, इसका पूरा जो स्केल है स्पाइनी होता है। और ये पानी अंदर लेकर के स्वेल कर जाती है, बहुत बड़ी सी मोटी सी दिखती है। अब इसमें एक है डायोडॉन ये मछली है। ये देखिए इसको हम पोर्क्यूपाइन फिश भी, पोर्क्यूपाइन एक्चुअली सेही को बोलते हैं, मैमल्स का एक मैमल्स होता है जिसके जो शरीर में पूरे कांटे लगे होते हैं,
तो उसके अपियरेंस के कारण ये जो मछली है इसको हम पोर्क्यूपाइन फिश कहते हैं, ये डायडॉन कहते हैं, और दूसरा टेट्राडॉन है जो ग्लोब फिश है, ये फूल करके ग्लोब जैसी हो जाती है ना, कि ये भी फिर भी अभी आपको थोड़ी सी लंबी दिख रही है, पूरा फूल जाएगी नहीं, बिल्कुल इस तरह का अपियरेंस हो जाता है इसका। उसी प्रकार से ट्रंक फिश है ऑस्ट्रेशियन, ये मछली है। सो दीज फिश आर दे आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग जॉ विद शार्प टीथ स्पाइनी स्केल्स एंड दे इन्फ्लेट बाय स्वेलिंग द वाटर, पानी को अंदर ले करके ये फूल जाती है ना, जैसे टायर में हवा भरने से फूलता है वैसे ही फूल जाती है, इन्फ्लेट हो जाता है। फिर ये लास्ट वाला ऑर्डर हम आपसे डिस्कस करें, दैट इज लोफी फॉर्मिस या पेडिकुलाटी मछली है। इसमें पहला और फर्स्ट फ्यू डॉर्सल स्पाइंस विथ बल्ब लाइक टिप ओवर हेड, ये फिर क्या होता है कि आगे कुछ स्पाइंस होते हैं, और स्पाइंस की वजह से क्या होता है कि अपने प्रे को शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करें, ये देखिए स्पाइंस है ये आकर्षित करते हैं इसको, ये इतनी स्थिर होती है पानी में चुपचाप पड़ी रहती है, और इसके स्पाइंस को देख करके इनके प्रे पास में आते हैं तो उस प्रे को ये खा जाते हैं। इसमें क्या होता है कुछ ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जिसकी वजह से थोड़ी ये लाइट इमिट करते हैं। इसका देखिए माउथ कितना खतरनाक है, ये खतरनाक मछली है, इसको एंगलर फिश या लोफियस बोलते हैं। एंगलर फिश इसलिए कहते हैं इसमें ल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, जैव प्रदीप्ति पाई जाती है, ठीक है। ये एंगलर फिश इसमें पाया जाता है लोफी फॉर्म इसमें। सो दिस वॉज द लास्ट ऑर्डर जो हम डिस्कस कर रहे थे। उसी प्रकार से आज हमने टीलियोस्टाई जो सुपर ऑर्डर था उसको भी पढ़ लिया, और इस प्रकार से मछलियों का क्लासिफिकेशन आज के लेक्चर में हमने फिनिश कर लिया। थैंक यू वेरी मच।